ओ मक्खन सिंह, मक्खन सिंह, ये क्या मक्खन सिंह मक्खन सिंह लगा रखा है आपने भाई? सुबह सुबह दुनिया तो राधे श्याम सीताराम के गुण गाती और एक आप हैं कि? हाँ, बस एक मैं हूँ और एक ही हूँ जो एक से दो होना चाह रही हूँ मक्खन सिंह। पर तू जाना मन नहीं हो बता अंदर के कर रहा था तू? मूंग की बड़ियां तोल के बेच रहे थे हम भाई। एक आदमी शौचालय के अंदर क्या करे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप जानना ही चाहती हैं, हम लघु शंका कर रहे थे। ओह गॉड यार, 24 घंटे इस औरत ने हमारा नाक में दम कर रखा यार। अरे भगवान आप प्लीज हमें यहां से कहीं दूर ले जाइए यार, या फिर आप एक काम करिए, आप एक ऐसे आदमी को यहां भेजिए जो हमें यहां से कहीं दूर ले जाए प्लीज। मैडम मैडम मैं ना, तू भी पिटेगा है के मैं के लगा रखी बकरी हो रहा तू? नहीं नहीं मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ मैडम। ओहो, हमें लगा तुम गजल लिखवाने आए हो। चल तू निकल, कल सवेरे 9 बजे आइयो। हाँ भाई, तू कौन है? अरे कौन है तू? मेरा नाम है पवन परदेसी, दिल नहीं लगता ना तो यहाँ तू दिल लगाने आया है ना, इससे दिल लगाएगा तू? ना बोल तो इससे ब्याह करा दू थारा, ना बोल बोल। नहीं मैडम, बात दरअसल ये है कि बचपन से मैं परदेसी होना चाहता था क्योंकि इस देश में मेरा दिल नहीं लगता। तो उस सिलसिले में मैंने ट्रैवल एजेंट का कॉन्टेक्ट किया, उसने बोला कि ठीक है मैं तुमको दुबई पहुंचा दूंगा और दुबई उतरते ही नौकरी मिल जाएगी। तो तुम्हें नौकरी मिली? अरे कहाँ, उसने तो मुझे मोटर बोट में बैठा दिया। मोटर बोट में तुम दुबई कैसे जा सकते हो? यही मैंने उसको पूछा, दुबई मोटर बोट से? तो बोलता है कि हवाई जहाज से सबको जाता है, हवाई जहाज से जाओगे तो दुनिया का देखोगे, मोटर बोट से जाओगे तो रास्ते में कितने देश हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है, एक तरह का वर्ल्ड टूर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, वो मोटर बोट फिक्स। तो मैं बैठ गया मोटर बोट में और बैठते ही मैडम उसने थोड़ी सी वो भी मुझे दे दी, क्या झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बगैर भी दिल नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं लुढ़क गए और फिर आंख खुली तो दुबई पहुंच गए। उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि दुबई पहुंच गए लेकिन वो दुबई नहीं था। तो तुम पहुंचे कहां? मैडम उस हराम खोर ने क्या मुझे समंदर में ऐसे चक्कर लगवा करके मड आइलैंड पे उतार दिया और दुबई पहुंचाने के लिए उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे मैडम। एक मिनट, मुझे तो लगता है भाई गलती तुम्हारी है। अरे तुम ये वर्ल्ड टूर के चक्कर में मोटर बोट में बैठ क्यों गए? प्लेन में जाते तो सीधा दुबई पहुंचते। लेकिन हाँ वो तो है, लेकिन उसमें एक समस्या है मैडम। वो क्या है कि उसने मुझसे पूछा पासपोर्ट है, मैंने बोला पासपोर्ट तो नहीं है। उसने पूछा क्रेडिट कार्ड है, मैंने बोला पासपोर्ट नहीं तो मैडम क्रेडिट कार्ड कहाँ से होगा। तो फिर पूछा रेशन कार्ड है, बोला रेशन कार्ड भी नहीं है। तो बोला किसी की शादी का कार्ड है, मैंने बोला किसी की शादी का नहीं मेरी खुद की शादी का कार्ड है। तो बोला ठीक है वो कार्ड दे दो, उस पर तुम वो पहुँचा देंगे दुबई। और उसने तेने जो है दुबई पहुँचा दिया। बेटा पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ठीक है अब तुम रहने दो, अब मैडम ही तुम्हारा दिल लगाएंगे क्योंकि मैडम एक ऐसी दिल लग, मेरा मतलब है मैडम अब केस सॉल्व कर देंगी, तुम कल आना। एक मिनट, पहले बुलाओ साले दुबई भेजू ने, बुला। मैडम मेरा नाम है संजीव मुथरेजा, भेज देंगे। नहीं और किसने भेज देगा तू? इसका तो बेड़ा गर्क कराई दिया है तेने, के कह रही हो? मैडम ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमारा तो काम है लोगों को दुबई पहुंचाना, अब कोई भी हमारे पास आता है हम उसे दुबई भेज देते हैं। अब मैडम ऐसी हरकत करके हम अपना धंधा थोड़ा ही बंद करवाएंगे। तो मुझे क्यों भेज दिया मड आइलैंड, दिल नहीं लगता? रास्ता लग जाएगा जो बीच में बड़ा। तू बोल। मैडम मैं इस आदमी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ जब तुम यहाँ से निकले थे तब तुम्हारी घड़ी में क्या बजा था? 12। और जब तुम दुबई पहुंचे तब? मैं दुबई पहुंचा ही नहीं। अरे यार जहां तुम पहुंचे थे वहां क्या बजा था? 10:30। देखा मैडम 12 बजे के हिसाब से इसकी घड़ी में 1:30 बजना चाहिए था, लेकिन इसकी घड़ी दुबई की घड़ी के हिसाब से चल रही थी। अगर ये दुबई गया ही नहीं तो फिर इसकी घड़ी दुबई के हिसाब से कैसे चल रही थी? मैडम जब मैं पी के टून था तो आराम खोरों ने मेरी घड़ी में टाइम बदल दिया होगा, कितने दिन तक उसी टाइम से चलता रहा, इसलिए हर रोज सुबह उठ के मैं सोचूं ये 6 बजे 7:30 बजे वाली धूप क्यों निकली है। मैडम इस तरीके के लोग मेरे पास ना जाने कितने आते, बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई दुबई भेज दो वहां जाके हम हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन वहां हार्ड वर्क की डर की वजह से वापस आ जाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है मैडम, ये ट्रायर है, मक्कार है, झूठा है। नहीं 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 मैडम, मैंने हार्ड वर्क किया, खूब हार्ड वर्क किया, वहां उतरते ही मुझे घर भी मिला।
अब मैंने सोचा शायद इसी के यहाँ मुझे काम करना है, तो मैं उसके साथ चल दिया। एक हफ्ते तक मैडम मैंने उसके घर में खूब मेहनत की, उसने भी मुझसे खूब मेहनत ली, कभी भी कंप्लेंट नहीं की मैडम मैंने कि दिल नहीं लगता, खूब दिल लगाया। भाई मड आइलैंड में ये कौन सा अरबी हो रहा है ना जो लोगों से हार्ड वर्क लिया करे। भाई गोपी। हाँ जी जी। मुलाकला साल ने मैडम यही है वो अरबी, और ये है हमारी मम्मी जी। तो हम हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, हम हूँ जटाशंकर यादव ओरिजिनल। ओहो, ना तो डुप्लीकेट होता तो तू क्या कर लेता, और यो तो जाना मैं फर्स्ट टाइम अरबी देख रही हूँ जो परफेक्ट बिहारी बोल रहा है। भाई वेरी गुड। हाँ मैडम, मैंने भी इसे यही पूछा कि भाई तुम अरबियों की इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो, तो ये क्या कहता पता है, कहता है बिहार पहले अरब में ही था। नहीं, मुझे आ रही है इस पे दया, ये बेवकूफ इसकी बात मान कैसे गया। ओ मैडम, वो कहा है कि हम अरब का रहने वाला हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा पिछली 15 पुश्त जो है बिहार में आके बस गई है ओरिजिनल। अब कहा है कि हम खानदान से तो एकदम दुबई का हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा बार्न एंड ब्राटअप जो है ना वो है बिहार का ओरिजिनल। हम थोड़े ने इसको बरगलाया हूँ, ये तो हमसे पूछा कि आप इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो, तो हम तो उसका जवाब दिया हूँ ना, ये हमसे थोड़ी पूछा था कि आप बिहारी हो कि अरबी हो, तो गलती तो इसकी है ना ओरिजिनल। अरे लेकिन मैडम इसे पूछने का क्या, ये बीच पे अरबी ड्रेस पहन के खड़ा था, इसको जाके मैं पूछूं, ओ भाई तुम अरबी हो? हाँ। नहीं 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 भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर हमारी मैडम अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर चिमरोटा चौराहे पे खड़ी हो जाएंगी तो क्या वहां पे चौकी हो जाएगी? मतलब मैडम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। हाँ भाई, तुम मुझे ये बताओ तुझे कैसे पता चला कि तुम दुबई में नहीं हो, मुंबई के मंडेलैंड में हो? अरे शाबाश भाई, अपनी पिछली 30 साल की सर्विस में जो है ना फर्स्ट टाइम तूने करेक्ट सवाल पूछा है, वेरी गुड। थैंक यू मम्मी जी। बोल कैसे बेरा तने? वो तो एक दिन मैं बालकनी में झाड़ू लगा रहा था कि मेरी नजर बीच पे पड़ी, वहां मैंने वो जिग्नेश भाई को देखा, एक लड़की को वो घुमा रहे थे, मैंने सोचा ये कंजूस जिग्नेश कभी दिल्ली नहीं जाए, ये दुबई में क्या कर रहा है? ओहो, तो फिल्म अभी बाकी से, बुलाओ उस जिग्नेश भाई ने। मैडम मैं जिग्नेश पटेल, बराबर छे? ना ना बराबर ना छे, ना तो क्या करेगा तू, ना सर पे बैठ जाएगा मारे। ओ चलो भाई, अब जो भी है खुल के बता दो वरना मैडम तुम्हें खोल देंगी। मेरा मतलब है मैडम केस की फाइल को खोल देंगी। मैडम बात यह है ना कि मेरे बाजू वाली जो मीनल है ना, मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, बराबर छे? मैं बहुत दिनों से उस पे लाइन मार रहा था, बराबर छे? मतलब वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने मीनल को कहा, देख मीनल तू जो कर रही है ना वो बराबर नहीं छे। हाँ मीनल कर नल बंद कर, और जो पूछा जा रहा है ना साफ साफ उसका जवाब दे दे तू। बराबर छे, बराबर छे। मैडम बात यह है कि मैं मीनल के साथ नहीं, मतलब मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, तब मैंने इसको देखा और मैं चौंक गया, क्योंकि सुबह इसकी बीबी जब घर पे अकेली थी तब मैं इसके घर पे गया। मतलब मैं सुबह इसके घर पे गया तब उसकी बीबी अकेली थी। तो तुमने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया या फायदा काहे का, सब नुकसान ही नुकसान है। क्यों भाई, उसने तुम्हें घास नहीं डाली या तुम घास को चर नहीं पाए? मत डरो, चलती रहेगी ये थप्पड़बाजी, तुम चालू रखो अपनी बयानबाजी। बराबर छे, बराबर छे। मैडम बात ये है ना कि मैंने इसको पैसे उधार दिए थे, बराबर छे? वो पैसे मांगने में इसके घर पे गया, बराबर छे? हाँ। तब मुझे पता चला कि ये पैसे कमाने दुबई गया हुआ है, और ये मुझे मड़ाई लाइन पे मिला। बस इब जो है ना, मैं कतई समझ गई हूँ कि किसका दिल कोई ना लग रहा भाई, कौन ओरिजिनल से, कौन किसे भेज देगा, और कौन जो है बराबर से, सही है? बराबर से, बराबर से। और सुनो भाई बालकों, ये भेज देंगे जो है ना, इन्हें अंदर लॉकअप में भेज दो पहले। लेकिन मैडम आप समझ नहीं रही, फिलहाल तो यो मुंह चुखाड़ लिए,
हैं? न जो ज्यादा चूर चपट करी ना तो सर के सारे बाल उखाड़ के यहाँ सजा दूंगी मैं। और तुम दोनों निकलो ही यहाँ से वरना तुम्हारी चीखें निकलेंगी थाने से। बराबर छे, बराबर छे। और मैडम मैं भाई तू थारा तो दिल कतई ना लग रहा पर तू टेंशन ना ले, यो संजीव जो है यो कल अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा और जो इसने अपने मुंह से कतई ना करी तो गोपी गुलगुले के मुंह से करेगा। क्लियर? हैप्पी?